हेलो, नमस्कार दोस्तों। 16 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आज सीरिया के बारे में है। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये है कि अभी सीरिया के ऊपर आरोप लगा था कि उसने भाई केमिकल वेपन्स का यूज किया है अपने ही नागरिकों के खिलाफ, मतलब ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काफी एक्शंस लिए हैं। केमिकल वेपन का एक्चुअली बैन किया गया, कोई भी कंट्री उनका यूज नहीं कर सकती। तो इसलिए सीरिया के ऊपर जब ऐसा आरोप लगा तो बाद में हुआ क्या, यूएस, यूके और फ्रांस तीनों ने मिलकर क्या किया, सीरिया के ऊपर एक तरीके से मिसाइल अटैक है वो कर दिया और उसकी वजह से वहां पे काफी सारे विनाश वगैरह हुआ है। ये सारा कंटेक्स्ट है। तो अब हम इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स है कि भाई सारा सीन चल क्या रहा है वहां पे। देखो, सीरिया पे पिछले 7 साल से वहां पे हालात वो खराब हो रखे हैं। वहां पे लगातार अटैक पे अटैक होते जा रहे हैं। पहले आईएसआईएस था, इसके बाद में भी जो देखा जाए तो मामला रुक नहीं रहा है और रोज बढ़ता जा रहा है। देखो, इसकी जो शुरुआत होती है मेनली वो होती है सिया सुन्नी के इश्यूज से। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि भाई सिया सुन्नी से क्या है। देखो, सिया सुन्नी की बात ऐसी है, जब पैगंबर साहब थे तो उनके जाने के बाद यह आरोप हो गया कि भाई सिया उनको मतलब उनकी गद्दी संभालेंगे या सुन्नी उनकी गद्दी संभालेंगे। तो उसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेज है वो पैदा हुए थे। तो हम एक बार थोड़ा मैप से ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सिया और सुन्नी है, जिसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। एक्चुअली यूपीएससी डायरेक्ट तो नहीं पूछने वाली, बट हमें थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जो ईरान है वो आपको बता दूं कि उसमें सिया बहुल कंट्री है। इराक है वो है सिया बहुल कंट्री। और इसके साथ ये ध्यान रखना कि ईरान और जो इराक दोनों है ये सिया बहुल है। बाकी जो कंट्रीज है सऊदी अरब हुआ, यूएई, कतर वगैरह जैसे कंट्रीज ये है सुन्नी बहुल कंट्रीज। तो ईरान में सबसे ज्यादा सिया लोग हैं। अप्रोक्सिमेट 90 to 95% जो पॉपुलेशन है ईरान की वो सिया बहुल है। इसके साथ ही इराक की वो है 60 to 70%। और देखो, डाटा वगैरह आपको याद नहीं रखना, बस आपको थोड़ा बेसिक ये ध्यान होना चाहिए कि भी ईरान इराक है वो सिया बहुल कंट्रीज है, बाकी है वो सुन्नी बहुल कंट्रीज है। इवन जो बहरीन है वो भी सिया बहुल कंट्रीज है। छोटी सी यहाँ पे कंट्रीज है आयरलैंड की फॉर्म की तरह की, वो बहरीन भी। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो, बात ऐसी है कि आपको पता है कि सिया और सुन्नी के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब सीरिया है ना, सीरिया का सीन थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 80 to 85% पॉपुलेशन है वो तो है सुन्नी, ठीक है। अब जो यहाँ पे बची 15% के आसपास पॉपुलेशन है, 10 से 15% वो है यहाँ पे सिया। और वहां पे जो असद है ना, जो फोर्स है वहां की, असद गवर्नमेंट या असद जो रेजिम है यहाँ की, जो फोर्स है वो एक्चुअली सिया की फोर्स है। मतलब जो 15% जो लोग हैं उन्हीं की वो फोर्स है। तो इसलिए जो सीरिया के लोग है ना, इनको ऐसे लगता है कि यार हमारे यहाँ पे तो सुन्नी बहुल कंट्री है और हमारे यहाँ पे तो 80% लोग हैं वो सुन्नी है, इसके बाद भी हमारे ऊपर तो सिया लोग हैं वो हमारे पे रूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या है, आग लगाई जाती है। बाद में सऊदी अरब इस चीज को ताव देता है, ओमान, बाकी और भी कंट्रीज है वो भी इसको क्या है मतलब फैलाती है। तो एक ये इस वजह से मामला थोड़ा और ज्यादा गंभीर हो गया। अब आपको एक चीज पता है कि यूएसए है, उसके रिलेशन आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं। तो सऊदी अरब क्या करता है कि सॉरी, यूएसए सऊदी अरब को सपोर्ट करता है। और सऊदी अरब है वो तो आपको पता है कि सुन्नी बहुल कंट्री है। सुन्नी बहुल कंट्रियों का जो हेड है वो सऊदी अरब है और सिया बहुल कंट्रियों का हेड है वो है ईरान। तो आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब की बिल्कुल नहीं बनती है। तो इसलिए इंडायरेक्टली हुआ क्या, यूएसए की सऊदी अरब से ज्यादा बनती है। तो यूएसए क्या है कि यहाँ पे जो भी सीरिया में हाल हो रहा है, अब सीरिया में भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है सुन्नी की, तो इसलिए यूएसए यहाँ पे अटैक करता है कि भाई यहाँ पे सिया की आर्मी है वो सुन्नी के ऊपर कर रही है, वहां के लोगों को परेशान कर रही है और ये एक्चुअली आपस में सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मामले को इधर से उधर हवा है वो दी जा रही है, इस वजह से मामला और ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है। सिया सुन्नी की लड़ाई थी, इस बीच में यूएसए यहाँ पे आ गया, तो इसकी वजह से मामला कुछ ऐसा हो गया। तो अब आपको थोड़ा सीन समझ में आ गया कि है क्या यहाँ पे सीन, किसकी वजह से लड़ाई हुई थी। तो ये थोड़ा हमने मोटा मोटा कंटेक्स्ट एक बार देख लिया कि सिया सुन्नी कौन सी लड़ाई है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई है और अभी इसका क्या इश्यू चल रहा है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आर्टिकल की तरफ। अब देखो, वही कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो असद फोर्स है वो सिया के द्वारा बनाई गई है और वो वहाँ पे ब्लॉक में 10 से 15% है। तो इसलिए वहाँ की जो सुन्नी बहुल कंट्री, सुन्नी बहुल पॉपुलेशन है सीरिया की, उसको लगता है कि यार ये तो हमारे ऊपर ही रूल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम तो यहाँ पे मेजोरिटी में है, उसके बाद भी हमें दबा रहे हैं, ये वगैरह सीन चल रहा है। तो अभी देखो, 2013 में भी हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि केमिकल अटैक, केमिकल वेपन का यूज करने का आरोप लगा था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, यूएसए ने तुरंत बोला कि अच्छा भाई आपने केमिकल अटैक का, केमिकल वेपन का अटैक किया है तो चलो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो उस टाइम पे जो ही एक्चुअली यूएसए अटैक करने वाला था सीरिया की असद फोर्स पे, उसी टाइम पे रशिया आ गया। रशिया ने बोला कि देखो भाई असद के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो हम यहाँ पे इस मैदान में, लड़ाई के मैदान में कूदेंगे और लड़ाई होने वाली है। मतलब बात क्या थी, यूएसए और रशिया दोनों आमने सामने आ गए, इसलिए मामला उस टाइम पे रुक गया। इसके बाद में देखो बात ये आती है कि ओपीसीडब्ल्यू की, ओपीसीडब्ल्यू क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये प्रावधान करता है कि भैया कोई भी कंट्री है वो केमिकल वेपन्स वगैरह यूज नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं और उनका काफी लंबा इफेक्ट है वो होता है।
इसलिए राइटर का ऐसा करना है कि देखो OPCW को 2013 में ये काम दिया गया कि भाई आप जाइए सीरिया में और वहां पे जो भी केमिकल वेपन है उनको खत्म कीजिएगा, और इसी एवज में एक्चुअली 2013 में उनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये तो प्रीलिम्स का फैक्ट यहाँ पे आ गया। अब राइटर का ऐसा करना है कि देखो भाई यूएसए साहब, यूएसए, यूके और फ्रांस है, ये तीनों वहां पे गए हैं सीरिया में, इन्होंने वहां पे अटैक किया है, कोई बात नहीं खत्म किया, चलो ठीक है, बट इनकी जो मनमर्जी है इन्होंने जाके अटैक किया वो काफी गलत है। मनमर्जी कैसे? देखो ना तो इन्होंने यूएसए वगैरह ने कोई तरीके से जांच करवाई कि हाँ भाई केमिकल अटैक असद के रिजिम ने करवाया, फिर यहाँ पे ISIS भी है, किसी और ने भी अटैक हो करवाया, हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि असद ने अटैक करवाया। तो सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए थी, बिना जांच के ही यूएसए ने अपनी मोनोपोली दिखाने के लिए स्टेप उठाया, जो कहीं ना कहीं गलत है। केवल और केवल यूएसए की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसा बोला था कि यार ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं कहा था, केवल उस बात को लेकर यूएसए ने बिना सोचे समझे अटैक कर दिया, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यूएसए अपनी दादागिरी है वो चला रहा है। तो बात ऐसी है कि यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पे राइटर का कहना है कि देखो पहले तो यूएसए को एक्चुअली जाना था यूएन में कि हाँ भाई देखो सीरिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, केमिकल वेपन का अटैक किया गया जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये वाली बात है, तो आपको कुछ स्टेप रही। उसके बाद में एक्चुअली यूएन के थ्रू सीरिया में जो एक स्टेप है वो उठाने चाहिए थे यूएसए को, यूएसए को अपनी साइड से कोई भी स्टेप नहीं उठाने चाहिए थे। अब बात ये आती है कि देखो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो यूएसए है ना वो वार में घुसता जा रहा है। कैसे घुसता जा रहा है? वार इश्यू है सिया सुनी की वजह से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद में मामला कुछ ऐसा हुआ कि भाई यूएसए वो सऊदी अरब को सपोर्ट करता है और सऊदी अरब वो सुन्नी बहुल कंट्री है, और आपको पता है कि सीरिया में भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है सुन्नी, इसलिए इनडायरेक्टली मतलब सुन्नी को ही सपोर्ट कर रहा है यूएसए, और इसीलिए सीरिया के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है सीरिया की वो एक्चुअली सिया है। तो इसकी वजह से मामला ज्यादा गंभीर और का है। तो यूएसए एक्चुअली वहां की गवर्नमेंट को, वहां की जो असद गोरेजिम है इसको उठा के उखाड़ के फेंकना चाहता है, और मामला और का है कि यूएसए लड़ाई में घुसता और ज्यादा इन्वॉल्व है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक साइड रसिया है वो भी आ रहा है, रसिया ये कह रहा है कि देखो भाई असद है उसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे, असद वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रशिया है वो असद को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के मामला कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है। एक बात बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो यूएसए ने 2013 में भी स्टेप उठाए, 2013 में भी उन्होंने अटैक करने की बात की थी, और बाद में उन्होंने लास्ट ईयर 2017 में भी उन्होंने मिसाइल वगैरह दागी थी सीरिया में केमिकल वेपन के एवज में, और कहा था कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, और उन्होंने कहा था कि अब आगे से ऐसा कुछ होगा भी नहीं। बट राइटर का कहना है कि यूएसए ने जो दावे किए थे कि भाई आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी केमिकल वेपन का यूज नहीं होगा, वो सारे दावे के दावे हैं वो नाकाम हो गए हैं, हमें वॉर को खत्म करना सॉरी। इसके बाद देखो लास्ट में राइटर कंक्लूजन में कह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है, ठीक है जो हुआ हुआ, अब हमें वॉर को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तो नुकसान हो रहा है ना वो सीरिया की आम जनता को हो रहा है, वहां की सिविलियन से उसको नुकसान हो रहा है। असद रेजिम यूएसए रशिया की लड़ाई एक अलग सीन है, इस इन तीनों की लड़ाई की वजह से जो मामला गंभीर हो रहा है वहां की पॉपुलेशन को भुगतना पड़ रहा है, मतलब जो खामियाजा है वहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए वहां पे हालात हैं वो हमें शांत करने होंगे और शांति बहाल करनी होगी, और जो सिया सुन्नी की जो राजनीति लड़ाई है इसको हमें वहां पे खत्म हो करना होगा। एक पक्ष राइटर का यह कहना है कि देखो बात ऐसी है कि हाँ ये चीज मानते हैं कि असद वहां पे सिविल जो सिविल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन वगैरह कर रहा है, बट हालात वहां पे कुछ ऐसे हैं कि अगर असद वहां पे असद रेजिम में असद जो फोर्स है वहां पे नहीं रही तो वहां पे सीरिया में और ज्यादा क्राइसिस आ सकते हैं, मतलब सीरिया की हालत और ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें असद रेजिम के साथ बातचीत करनी चाहिए और उसके थ्रू हमें समाधान निकालना चाहिए कि भाई आप इतने अग्रेसिव मत हो, आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मत करो, आपस में बातचीत के थ्रू रास्ता है, डिप्लोमेसी के थ्रू पूरी कंट्रीज को, वर्ल्ड की कंट्रीज को आना चाहिए, यूएन को आना चाहिए और इस मामले को सेटलमेंट करना चाहिए। यूएस और रशिया को दोनों को इसमें लोन नहीं होना चाहिए। मतलब देखो हो क्या रहा है, इनडायरेक्टली असद को सपोर्ट करने के चक्कर में तो रशिया आ रहा है और जो वहां के सिविलियंस है या वहां के आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आ रहा है यूएसए। तो हो क्या रहा है, तो सीन यही हो रहा है ना कि लड़ाई तो है सिया सोने की, पर उस लड़ाई के बीच में एक्चुअली यूएसए और रशिया दोनों फंस गए हैं, मतलब दोनों की लड़ाई होती जा रही है जो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा, वो बात यहाँ पे अच्छी नहीं है। और बाद में लास्ट में कह रहे हैं कि राइटर की एक डिप्लोमेसी के द्वारा हमें इस रास्ते को हमें सोल्व है वो करना होगा, तभी प्रॉपर बेनिफिट है वो आ सकते हैं। तो ये सारा कंटेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे देख लिया। और एक पॉइंट लास्ट में भी बता रहे हैं राइट कि देखो यूएसए को पता आपको ईरान के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर डील भी उन्होंने इसीलिए कैंसिल करने के सारे वो इश्यूज वगैरह वो इसीलिए आते रहते हैं। अच्छा मैंने बताया कि ईरान वो सिया बहुल कंट्रीज है, तो उसकी वजह से वहां पे मतलब इनडायरेक्टली यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता कि असद रहे, क्योंकि असद है वो भी सिया सपोर्टर है, वो भी सिया ही है। तो कुल मिला के बात ऐसी कि यूएसए इसलिए इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो चलते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो एक्चुअली गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है, उस स्कीम के बारे में काफी अच्छा ये आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इस आर्टिकल में बहुत अच्छे पॉइंट है वो है।
क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, कौन सी, गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चलाई थी कि 115 हमारे देश में जो जिले हैं, जो इंस्पेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो जिले काफी पिछड़े हुए हैं, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम हो चलाए जाएंगे। तो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के द्वारा चला गए 115 जिले। आपको इसमें ध्यान रखना कि 115 जिलों में हर स्टेट का एक जिला तो मिनिमम काउंट है ही है। इसके अलावा जो बाकी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना सारे, उन पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि यूपी हुआ, बिहार हुआ, और जो नक्सलवादी एरिया हुआ उस वाले एरिया में ज्यादा, आपको पता है कि जिले हैं जहाँ पे काफी बैकवर्ड एरिया है, तो उन एरिया पर ज्यादा फोकस है वो किया जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, हर स्टेट से एक तो एक जिला तो कम से कम इसमें शामिल है, वो किया गया है। अब देखो बात ऐसी है, राइटर का कहना है कि यह जो प्रोग्राम चलाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली उन गलतियों को सीखा है जो पीछे गवर्नमेंट ने गलतियां की है, मतलब पीछे की गलतियों से सबक सीखते हुए इस जो नई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, इसमें उन कमियों को यहाँ पे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और इस बार जो ये स्कीम, ये जो प्रोग्राम लाई है, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसका भी अद्भुत एग्जाम्पल है, वो पेश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही सबसे अच्छी जो बात की गई यहाँ पे, वो कई बात की गई है कि जो जरूरत या जिन लोगों को जरूरत होनी चाहिए स्कीम की, उन लोगों के ऊपर मेनली यहाँ पे डायरेक्टली फोकस है वो किया गया है, उनको हर तरीके से सपोर्ट है वो दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। और हमारे देश में जो गरीबी है, जो पिछड़ापन एरिया है, उन पिछड़ेपन जिलों को भी यहाँ पे डेवलपमेंट है या उनका रास्ता है वो सिक्योर किया जाएगा, ताकि वो भी बुलंदियों को छू सकें। अब देखो बात ऐसी है, आगे देखते हैं क्या क्या, मतलब कौन कौन से पैरामीटर है जिनके आधार पे उन जिलों का चुनाव हो किया जाएगा। सबसे पहले जैसे वाटर हुआ, इसके बाद में स्किल देखी जाएंगी या फिर न्यूट्रिशंस वगैरह देखी जाएंगी, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सोशल सेंसेस हुआ, इनके आधार पे देखा जाएगा कि भाई कौन से जिले पिछड़े हुए हैं, फिर उन जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट वहाँ पे देखेगी भाई इस जिले के अंदर पर्टिकुलर इसकी समस्या है, तो इसलिए हमें ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, हर जिले के लिए अलग अलग उस तरीके की स्कीम्स वो चलाई जाएंगी, मतलब जहाँ जैसी डिमांड है वहाँ पे। जैसे कि ये हुआ, किसी जिले में हो सकता है पानी की समस्या का कोई इश्यू नहीं है, हो सकता है किसी जिले में पानी की समस्या ज्यादा है, तो जिस जिले में पानी की कोई इश्यू नहीं है वहां पे पानी के लिए स्कीम नहीं चले जाएंगे ऑब्वियसली, और जिस जिले में पानी का समस्या ज्यादा है तो वहां पे लिए पानी की स्कीम चले जाएंगे, मतलब जहां पे जो जो डिमांड है, जो जो कमी है उन पे दूर पे। और राइटर का एक अच्छी बात ये कहना है कि देखो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप ली गई वो बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने इस बार क्या कि उनको बैकवर्ड जिले बोल के यहाँ पे शो नहीं किया है कि वो काफी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उनको बैकवर्ड बोलती तो क्या होता कि यार वो पिछड़े, मतलब एक तरीके से सोसाइटी से उनको गवर्नमेंट अलग कर देती। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है कि देखो ये वो जिले हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो खूब हैं बट उनको प्रॉपर ढंग से यूज नहीं किया गया, वहाँ पे स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बहुत चलाई है बट कई बार क्या होता है उनको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, हो सकता है कि कई बार कोई इम्प्लीमेंटेशन में काफी कुछ कमियां रह गई, तो पीछे की जो कमी है ना उनको दूर करते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ढंग से यूज है वो किया जाएगा, मतलब उनको बैकवर्ड बोल के ऐसा शो नहीं करिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भाई उन हम उनको हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं करें, वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करने की बातें यहाँ पे की जा रही है, मतलब उनको अपने आप में सशक्त है, इम्पावर बनाया जा रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है वो यहाँ पे। मतलब बात यह कि गवर्नमेंट है वो लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना चाह रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेज तो खूब है बट उनको अभी तक यूज नहीं किया गया, इसलिए हम उनको बैकवर्ड स्टेट नहीं बोल रहे हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं कि भाई उनके पास मौका है, हम उनको मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को कर सकें, और इसके लिए वहां पे हर एरिया के अकॉर्डिंग वहां पे स्कीमें वो चलाई जाएंगी। इसके बाद में देखो राइटर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है, इसने नया फंड है वो एलोकेट नहीं किया है, इसके पक्ष में ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कि भाई देखो हमने फंड नया फंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि हर बार फंड से कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ऑलरेडी हमने इतनी स्कीम चला रखी है। और उन स्कीम का देखा जाए तो हमें एक डाटा सामने मिला कि ये जो 115 जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट खोजे गए हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, इन जिलों में उन स्कीम को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया है। तो मतलब बात क्या है कि इन जिलों के अंदर में स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, तो सबसे पहले जो पुरानी स्कीम है ना उनको तो ढंग से इम्प्लीमेंट कर लो, अगर उसके बाद फंड की कमी होती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप उठाएगी, तो पहले तो हमारे पास जो फंड है ना भाई उसको हमें यूज करना है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ओल्ड स्कीम के जो रिसोर्स है ना उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करना है, और लोकल जो बॉडीज है वहाँ की उनको मौका देना है, मतलब ग्राम पंचायत हुई, जैसे जिला परिषद हुई, इनको मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, उनको उनको ऑटोनोमी दी जाएगी, उनको पावर दी जाएगी ताकि वो जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व कर सकें, क्योंकि देखो जो रूरल एरिया में जो इश्यूज होते हैं ना वो ग्राम पंचायत को पता होता है कि भाई यहाँ पे समस्या क्या है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे पता है कि समस्या, तो रूल अप्लाई करने का मतलब है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली स्कीम नहीं लगा सकती क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स का तो पता जनता को ही पता, आम जनता को या वहाँ के जो सरपंच वगैरह होते हैं उन्हीं को पता होता है ना, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग या उनको पूछ के स्कीम वो बनाई जाएंगी हर जिले के अकॉर्डिंग उनकी उनकी डिमांड है वो। इसके बाद में देखो बात यहाँ पे की जा रही है कि सेंट्रल है
सेंट्रल लेवल पे स्कीम बनाई जाएंगी, उसके बाद स्टेट लेवल पे भी स्कीम बनाई जा रही है, इसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तीनों लेवल का जो सिस्टम है इस पे काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह पे काम किया जा रहा है कि सेंट्रल ने स्कीम बना दी उसके बाद उनको स्टेट पे थोप दिया गया है, थोपा वोपा कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे। स्कीम को प्रॉपर वे में मतलब तीनों को सिंक किया जा रहा है कि सेंट्रल को स्कीम बना रही है तो उसमें स्टेट है वो सहयोग करेगा, स्टेट की जो भी भागीदारी होती है जो जवाब देता है वो स्टेट काम करेगा, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मतलब तीनों आपस में मिलकर तीनों सिंक होकर काम करेंगे जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो और ज्यादा अच्छा है वो आएगा। इसके लिए बाद में एक अच्छी बात यहाँ पे की जा रही है कि हर स्टेट में जो एक ऑफिसर्स है उसकी नियुक्ति की जाएगी, हर स्टेट नहीं हर जिले में, सॉरी हर जिले में देखो एक ऑफिसर्स का काम क्या होगा, जो स्टेट और जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में सहयोग का काम करेगा। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम तो इंप्लीमेंट कर देती है बट स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई स्कूल है वहाँ पे टीचर्स की जरूरत है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह दिया कि देखो भाई यहाँ पे टीचर्स की जरूरत है, आप टीचर मतलब टीचर यहाँ पे लगाओ। अगर उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए अब स्टेट से भी तो कोई बात करने के लिए चाहिए ना कि भाई स्टेट और सेंट्रल के बीच में चेक किया, हाँ भाई टीचर्स लगाए या नहीं लगाए। तो टीचर्स का काम तो आपको पता है कि ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का ही है, तो वो काम तो टीचर्स स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। इसलिए दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऑफिसर है उसकी नियुक्ति की जाएगी ताकि वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में सहयोग है उसको बढ़ावा दे सके। इसके बाद में बात की जाएगी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके लिए जो लोकल लेवल की मतलब जिला लेवल पे फोकस है वो किया जाएगा। क्योंकि देखो जो बैंक वगैरह होते हैं वो जिला लेवल पे ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लोगों के अकाउंट वगैरह खुलवाने का काम है, वो एक्चुअली हर जिला लेवल पे फोकस पे काम करते हुए किया जाएगा। इसके बाद में बात यह है कि इस चीज को आगे मॉनिटर करने के लिए कि भाई कैसा वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है उन जिलों में, उसको फोकस करने के लिए वहां पे जो हेल्दी कंपटीशन है वो आयोजित किया जाएगा। मतलब उन जितने भी जो 115 इंस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके ऊपर आपस में क्या होगा एक कंपटीशन किया जाएगा कि भाई देखो लास्ट ईयर ये मतलब लास्ट मंथ था ये स्टेट ये सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट है काफी आगे रहा है, इस बार इसने ये स्टेप अच्छे उठाए हैं, तो अगला स्टेट देखा कि नहीं यार इसने अच्छा ये हमसे इस मामले में आगे गया है तो हम ये काम करते हैं, हम इसलिए यहाँ पे आगे जाएंगे। मतलब आपस में एक होड़ बढ़ेगी, कंपटीशन है वो बढ़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी जिससे इस वाले एरिया का डेवलपमेंट है वो होगा। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात है कि जो सारा काम हो डिजिटलाइज होगा और डाटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो रखी जाएंगी ताकि डाटा को आराम से एक्सेस किया जा सके। क्योंकि वो कई बार क्या कि रजिस्टर्स वगैरह में रिकॉर्ड होता है तो उसमें काफी मैनुअल काम होता है तो काफी दिक्कत आ जाती है उसको आपस में मॉनिटर वगैरह करने में। अगर अब काम डिजिटल होगा तो आराम से आंकड़े हैं उनको आराम से क्रॉस चेक किया जा सकेगा, तो काफी अच्छा उसका बेनिफिट है वो होने वाला है। तो ये इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, काफी अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप उनको नोट डाउन है वो कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए भी स्कीम इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस साथ ही कर लिया है। आगे देखो एक आर्टिकल है वो है सेंट्रल एक्चुअली फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, 15वां जो फाइनेंशियल कमीशन है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हो किया गया है। तो इस आर्टिकल में दो तीन पॉइंट है वो काम किया, तो आपको बता दूं सबसे पहले क्या है, देखो इसमें दो वर्ड आए हैं, एक तो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो हम देख लेते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो कौन सी होती है। पहले हम देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि जो स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और ये मेनली यूनियन लिस्ट के जो टॉपिक होते हैं उन पे बनाई जाती है, और इसका जो 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और इंप्लीमेंटेशन का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। मतलब सारा काम सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंट्रल लेवल है वही सारा काम इसमें करेगा, स्टेट का कोई काम नहीं होता, बस स्टेट में तो इंप्लीमेंट होकर जाती है। जैसे कौन कौन सी स्कीम एग्जाम्पल बता दूं, जैसे भारत नेट है, मतलब इंटरनेट का सारा जो भी काम हो आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए तो भारत की जो अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको आपस में कनेक्ट हो किया जा रहा है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ये काम हो किया जा रहा है, इसलिए कोई इशू नहीं आ रहा है। इसके बाद LPG कनेक्शन हुआ, या फिर जैसे जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात होती है, इसके साथ जो सांसद स्कीम लेके आई थी गोनपी MPLAD स्कीम लेके आई थी वो देख सकते हो। मतलब ये वो स्कीम्स हैं जो 100% जो फंडिंग वगैरह होती है सारा काम है वो सेंट्रल सेक्टर करता है, यूनियन लिस्ट के टॉपिक पे मेनली ये स्कीमें वो इंप्लीमेंट की जाती हैं, एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगली बात आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भागीदारी निभाती है कि भाई हम 50% पैसा देंगे, हम 60% देंगे, हम 70% देंगे, हम 80% देंगे, 90% देंगे। नॉर्मली जो 90% जो पैसा है वो दिया जाता है हिली या जो काफी पिछड़े जिले हैं उनमें, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट है वो 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये सभी स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, तो ये हमें इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है या फिर जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे 90% मेनली स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है। इसमें एग्जांपल से देखते हैं कौन सी स्कीम आती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्कीम आती है एक तो मनरेगा आ गई, आपको पता है कि मनरेगा जो स्कीम है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में स्पॉन्सर्ड करके उसको काम है वो करती है। इसके बाद में जैसे और भी स्कीम है, जैसे आगे यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आ गया, एक सेकंड नेशनल सॉरी पता नहीं क्या हो गया,
नेशनल सोशल एसोसिएशन प्रोग्राम है, मतलब ये वो स्कीम है जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा चलाई जाती है। इसमें मेनली जो स्कीम होती है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें टॉपिक तो होते हैं नॉर्मली स्टेट लिस्ट के, बस सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और स्टेट को पैसा दे देती है कि हाँ भाई आप ये लीजिए, 60% पैसा दे रहे हैं, बाकी आप 40% पैसा या 30% जो भी पैसा है वो आप अपनी तरफ से मिलाइए और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट वगैरह कीजिए। मतलब इम्प्लीमेशन का जो काम है इसमें स्टेट के द्वारा किया जाता है, और सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि 100% सारा काम सेंटर के द्वारा ही किया जाएगा, इसमें स्टेट का कोई रोल होगा नहीं होता है। तो ये इसमें कुछ बेसिक चीजें थी, जो वर्ड था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, काफी कंफ्यूजन वाला होता है। तो ये तो देखो आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और जो पीडीएफ है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दिया, तो आप पीडीएफ वहां से देख लीजिएगा।